जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा हुई या काव्य रस की बात? हाँ, हर बार की तरह इस बार भी जनक सभा में जीवन के मौलिक प्रश्नों पर चर्चा हुई। मूर्ति शास्त्रार्थ की भूमि युद्ध भूमि में बदल गई।
शब्दों में, विचारों में, वही हिंसा दूसरे को छोटा दिखाने का और भी अवसर नहीं छोड़ है। कभी वर्ग और जाति के नाम पर, कभी रूप के नाम पर, कभी वैभव और संपदा के नाम पर, तो कभी ज्ञान के नाम पर दूसरे का दमन करने का मनुष्य कोई मौका नहीं छोड़ता। मैं सब जानता हूं, मेरा सच आखिरी सच। इस अज्ञान के बोझ को उठाए हुए वह हर जगह घूम रहा है। मैत्रेय, कभी कभी सोचता हूं कि क्या सच और झूठ के बीच सिर्फ तलवार की धार जितनी ही दूरी है। सच अगर तलवार से नहीं मारा जा सकता तो फिर सबको से हिंसा क्यों मैत्री? क्या जनक सभा में किसी की मृत्यु हुई? हाँ मैत्री, विदग्ध मारा गया। क्या विदग्ध मारा गया? उन दिनों शास्त्रार्थ में पंडितों अपने प्रतिस्पर्धी को चुनौती देने के लिए मृत्यु दंड और जल समाधि जैसी जान लेवा शर्तें रखते थे। ऐसी एक दुर्घटना जनक सभा में घटी। आचार्य विदग्ध, यह सभा आपके ज्ञान का सम्मान करती है, पर सभी देख रहे हैं कि आप उतर कर रहे हैं। आपके प्रश्न समाप्त हो गए, पर फिर भी सभा में मुझे लज्जित करने के लिए आप नाहक ही अर्थहीन प्रश्न से जा रहे हैं। संभव है मेरे प्रश्न समाप्त हो गए हो या के बाद मैं तुम्हारे पास का प्रश्न होंगे, चलो तो तुम भी का प्रश्न करो। तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धर से अलग हो जाएगा विदग्ध। Thank you.
हाँ मैत्री, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सारी देश आश्रम की गाय धन सब कुछ तुम दोनों में बराबर बराबर बांट, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई कलह न हो। एक बात पूछो स्वामी। हाँ पूछो। आप आज और उधर के बंटवारे की बात कर रहे हैं और संसार की सारी संपत्ति भी मुझे मिल जाए तो क्या मुझे चिरंतन सुख मिलेगा? क्या मैं जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊंगी? नहीं प्रिय, तुम वे ही सुख भोग सकती हो जिसे धन नहीं सकता। अमृत की आशा धन से नहीं की जा सकती। तो फिर ये धन संपत्ति मेरे किस काम की जो मुझे चिरंतन सुख भी न दे सकती? आप यह धन संपत्ति का प्रलोभन मुझे मत दीजिए। स्वामी, मैंने तो अब तक यही जाना कि मनुष्य अपने पास की, अपने अधिकार की किसी भी वस्तु को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे उसे बेहतर वस्तु न मिल जाए। मनुष्य तो पुराने वस्त्र को भी नहीं छोड़ता। तो फिर आप इस वस्तु के लिए जो संसार छोड़ने को तैयार हो गए, क्या है वो जिसके लिए आचार्य याज्ञवल्क्य जैसे बुद्धिमान सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गए? मैत्री, यह संसार समझता है कि मैंने सब कुछ जीता है। मैंने अपने पुरुषार्थ से दूसरों पर विजय पाई, पर क्या वो विजय है? यदि पूरी पृथ्वी का साम्राज्य भी मुझे मिल जाए तो क्या मैं विजयी हूँ? मैं समझी नहीं स्वामी। मैत्री, विजय की आकांक्षा करो। क्या सुख विजय में है? दूसरों पर विजय क्या अंतिम विजय है? क्या विजय का अर्थ है यह सुख विजय से परे है? मैत्री, स्वयं को बंधनों से मुक्त करना ही सच्ची विजय है। क्या इसे ही स्वयं पर विजय कहते हैं? स्वयं को जानना ही विजय है। स्वामी, क्या इसे ही ऋषि अमृत को कहते हैं? हाँ मैत्री, उस सच को जान लेना ही अमृत है। सारे भयों से मुक्ति ही अमृत है। मृत्यु का भय, असुरक्षा का भय, दुख का भय, पीड़ा का भय, जो पास है उसे खोने का भय, जो अज्ञात है जिसका पता नहीं उसका भय, इस भय के परे ही अमृत है। स्वामी, क्या मेरे और कल्याण के प्रेम से भी मुक्ति चाहते हैं? ये मंत्री ने क्या पूछ लिया? क्या प्रेम, स्नेह, ममता भी एक बंधन है जिससे याज्ञवल्क्य छूटना चाहते हैं? मैत्री, पति पत्नी एक दूसरे को इसलिए प्रिय नहीं होते क्योंकि वह एक दूसरे को प्रेम करते हैं, किंतु पति पत्नी एक दूसरे को इसलिए प्रिय है क्योंकि वह दोनों अपने आप को स्वयं को प्रेम करते हैं। नवारे पत्तु का माय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु का माय पति प्रियो भवति। यह धन, बच्चे, संसार हमें इसलिए प्रिय नहीं कि हम उन्हें प्रेम करते हैं, किंतु यह बच्चे, धन, संसार हमें इसलिए प्रिय है क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं। मैत्री, क्या हम किसी ऐसी वस्तु या व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो हमें दुख देती हो? मैं उस हर वस्तु, उस हर व्यक्ति से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देती है। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उसी से प्रेम करता हूँ जो मुझे आनंद देता है, और क्योंकि मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ इसलिए मेरा स्वभाव ही आनंद है। मैत्री, यह आत्मा आनंद स्वरूप है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए मैत्री, इस आत्मा को जानो और इस आनंद को जानो। यह सारा संसार ही स्वयं के लिए है। स्वयं को जानना ही आपको साक्षात्कार है, वही मोक्ष है, और वही हम मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। इसलिए मैत्री, मैं सारे सुख सारे दुख छोड़े जा रहा हूं, मैं दुख और सुख के परे जा रहा हूं।
कभी कभी आप आत्म कल्याण के पद पर आगे बढ़ना चाहोगे, तब यह संसार जिसे शास्त्र माया कहता है इसी तरह आपको रोकेगा। जिस तरह यहाँ अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते, स्वयं को जान सकते।